हेलो दोस्तों, आज हम मॉडल सूट की कटिंग करेंगे। तो हम इसके शोल्डर के पहले जाएंगे, यहाँ पे शोल्डर नापेंगे पहले। तो हम मैंने इसमें 6 इंच शोल्डर रखा है, तो यहाँ से हम आर्म होल भी 6 इंच रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद इस राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से गोल कर देंगे। तो मैं इस सूट में डिजाइन दे रही हूँ, तो मैंने इसमें 3.5 रखी है इसकी चौड़ाई, और यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे, और यहाँ और नीचे से भी मैं इसमें 7 साढ़े 7 ले रही इसमें, क्योंकि डिजाइन दूंगी तो इसमें डिजाइन में ज़्यादा लंबा रहता है। तो यहाँ से हम 3.5 नीचे से भी लेंगे, और यहाँ से इसका बॉक्स बना देंगे 7.5 का, और राउंड शेप देते हुए हम इसे गोल कर देंगे, क्योंकि ये गोल में ही डिजाइन बना हुआ है। इस तरह से हमने गोल कर दिया। अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें चेस्ट 6 इंच रखा है, और 5.5 पे मैंने इसे कमर रखी है अभी, और यहाँ पर हम हिप रखेंगे 7 इंच पर। तो इन तीनों कोण को हम इसी तरह से मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, और ऐसे ही हम मार्जिन रख लेंगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा ये ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। पहले हम इसमें आर्म होल कटिंग कर रहे हैं। तो हम ये फ्रंट की कर रहे हैं, तो हम इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट में। तो हमने इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, और इसका इस तरह से गोल कर देंगे यहाँ से ऐसे करके। क्योंकि फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो इस तरह से इसकी गोलाई दी जाती है। तो यहाँ से हम साइड से कटिंग कर देंगे, और यहाँ से शोल्डर की कटिंग कर देंगे, और ये हमारा गला हो गया जो हमने इसमें गोल शेप दिया था। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनकर गोल शेप तैयार हो गया। तो अब हम इसी में डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से गोल शेप वाला गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले हम इसमें पट्टी लगाएंगे, पट्टी ज्वाइंट करेंगे इसमें पहले, जब इसका डिजाइन बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हम इस तरह से पूरे राउंड में इस तरह से पट्टी लगाएंगे चिपका कर। तो मैं इसमें चिपका कर बता रही हूँ आपको। तो जितनी इंच की हमें इसे लगाना है, तो हम उतने इंच के लगाएंगे। तो मैं इसमें 7 इंच की पट्टी ले रही हूँ, इसी की नाप की हमें पट्टी कई सारी काट। दोस्तों, इस तरह से फिर मेरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। हमें ऐसी पट्टी लगानी है, और ऐसी पट्टी लगाने के बाद पूरे राउंड में फिर हम इस गला काटेंगे इसे ऐसी राउंड शेप वाला, फिर इसके ऊपर हम सिला जाएगा पूरे राउंड में। तो हमारा इस तरह गला बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो आप बनाना पर लेंथ के अनुसार कपड़े पर। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।